ओके okay, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.3 हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कोन समझ गए बिल्कुल स्ट्रेट जो आपके सामने फिगर ड्रॉन है ठीक है हाइट उसकी 90 डिग्री पर रहेगी स्ट्रेट हाइट ओके तो जो दो एरियाज जिसमें हमें बात करनी है उसमें यही पोर्शन है कि एक तो सी एस एफ ए कौन सी एस एफ कॉन इज़ पाई आर एल चेक करो आप यहाँ पर आइडेंटिटी में मैंशन है पाई आर एल ओके वाट इज़ आर एंड वाट इज एल आर मीन्स रेडियस मैं यहाँ मैंशन कर रहा हूँ आपके लिए आर जो है वो है रेडियस एंड हम जिस एल की यहां बात कर रहे हैं एल आई मीन स्मॉल एल हम यूज करेंगे नॉर्मली इसकी नोटेशन में एंड दिस इज स्लॉट हाइट स्लांट हाइट आपको अभी मैं मार्क करके बताता हूं कि मैं किस हाइट की बात कर रहा हूं अगर आपके सामने ये जो फिगर ड्रॉन है इसमें जो ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड स्लॉट हाइट ओके एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड दिस वन इज यस एग्जैक्टली दिस इज हाइट दिस इज रेडियस एंड ये हमारे पास स्लांट हाइट जो हम यहां इसकी बात कर रहे हैं ठीक है यहां तक बात क्लियर हो गई आपको कि हाइट कौन सी है रेडियस कौन सा स्लांट हाइट कौन सी है और यहाँ जिस पोर्शन को हम राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं वो ये एंगल इज 90 डिग्री दैट्स वाई दिस कोन इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन ओके ये बात हो गई क्लियर अब सी एस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है हमारे पास पाईआर एल और अगर हम बात करते हैं इसके टी एस ए की तो दिस टोटल ठीक है area. अब हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्या गिवन है क्या सॉल्व करना सेम मेथड हर बार वही चल रहे हैं हम डायमी बेस हमें डायमीटर बता रखा है तो डायमी टेन पॉइंट सेंटीमीटर यूनिट्स पर फिर से ध्यान देना ओके टेन अगर डायमीटर है तो रेडियस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स में ही आपके पास रेडियस आ गया सेंटीमीटर्स में ही आपके पास स्लांट हाइट है हमें सी एस से सॉल्व करना इजीली हम सेंटीमीटर्स में ही सॉल्व कर लेते हैं स्लांट हाइट के लिए नोटेशन चेक कर लेना ये है स्लॉट हाइट जो गिवन है और मैं यहाँ उसकी नोटेशन मैंशन कर रहा हूँ टेन सेंटीमीटर ओके तो रेडियस स्लांट हाइट हमें मिल गया तो हमें सॉल्व करने को क्या बोला गया है एरिया सी एस से सी एस ऑफ़ दिस कोन इज यस आइडेंटिटी क्या है पाई आर एंड एल वट इज पाई बट ऑब्वियस इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग दिस तो हमें क्या पुट करना होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन इट इज गिवन अगर गिवन है कि इसकी वैल्यू को आपने थ्री पॉइंट वन फोर एंड समथिंग अप टू टू और अप अपू थ्री डेसीमल प्लेसेस तो हम वही वैल्यू रिप्लेस करके चलते हैं एंड आर इज़ आर हमारे पास क्या है चेक कर लो 5.25 इसका डेसिमल एलिमिनेट कर देते हैं और वो आ जाएगा आपके पास 525 फाइव ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर अब फिर वही कोशिश कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या पार्ट कैंसिल हो रहा है तो ये सेवन और ये फाइव जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ रही है सेवेंटी ठीक है ये बात क्लियर हो गई जीरो एक और कैंसिल कर लेते हैं हमारे लिए इजी हो जाएगा तो अब आप हमारे आप पास रिमेनिंग पोर्शन क्या है आप वो चेक कर लो ट्वेंटी टू इन सेवेंटी फाइव अपॉन टेन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि टेन को मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं डिनोमिनेटर में मुझे काफी हेल्प कर रहा है तो सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू इज वन सिक्स फाइव जीरो डिवाइडेड बाय टेन अब ये एक जीरो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो है वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास सी एस से आ गया हमारी फर्स्ट क्वेश्चन का स्कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ द स्कोन हमारा फाइनल आंसर ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ कोन क्वेश्चन नंबर टू है हमारा ये एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री फाइन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ कौन इफ इट्स स्लांट हाइज इज ट्वेंटी वन मैंने स्लांट हाइट मैंशन कर दी है नोटेशन आपको पता लग गई अब कि क्या नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं स्लॉट हाइट के लिए कैप स्मॉ एल एंड द डायटर ऑफ इट्स बेस हाँ तो हमें डायमीटर भी गेवन है तो डायमीटर की हेल्प से सबसे पहले हम रेडियस लिख लेते हैं अगर डायमीटर ट्वेंटी फोर तो रेडियस विल भी ट्वेल्व मीटर ओके स्लॉट हाइट है रेडियस है अब हमें सॉल्व क्या करना है उसे फिर से एक बार चेक कर लो टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया मतलब टी एस ए टी एस एफ कॉन इज तो रिप्लेस करो पाई के बारे में फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं ट्वेंटी टू बाई हमारे पास ट्वेल्व हैल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व अपॉन सेवन एंड द रिमेनिंग पार्ट बाकी पार्ट हमारे पास क्या है ये थर्टी थ्री ओके कुछ कैंसल नहीं हो रहा है सो so. तो हमें सॉल्व करना है कैलकुलशन को आप भी चेक करो मैं भी सॉल्व करके हाँ लिख देता हूं ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेल मल्टीप्लाई बाय थर्टी थ्री एट सेवन वन टू बाय सेवन तो हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का इट्स वन टू फोर फोर पॉइंट फाइव सेवन यूनिट्स पर ध्यान देना आपने फिर से मीटर स्क्वायर दिस इज फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज टोटल सरफेस एरिया ओके ओके क्वेश्चन नंबर थ्री कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज थ्री हंड्रेड एट सेंटीमीटर स्क्वायर हमें सी एस ए गिवन है हमें स्लाट हाइट गिवन है और हमें सॉल्व करने को बोला गया फर्स्ट पार्ट में रेडियस ऑफ द बेस तो मैंने ये तीनों चीजें मेंशन कर दी कि दो जो गिवन है और एक जो हमें सॉल्व करनी है तो सी एस ए के लिए पहले तो मेथड याद करो कि क्या था सी एस ए इज पाई आर एल एंड सी एस ए हमारे पास है थ्री हंड्रेड एट पाई वैल्यू इज़ ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड द रेडियस रेडियस हमने सॉल्व करना है तो रेडियस आर और एल हमारे पास जो गिवन है और एल है 14 फोर्टीन तो अब हमारे पास जो वैल्यूज रह जाएंगी डिवाइड करने के बाद जो कैंसिल करने के बाद वो है सेवन एंड फोर्टीन कैंसिल होने के बाद एज टू ठीक है यहाँ तक क्लियर देन ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई आर इज़ इक्वल टू थ्री हंड्रेड एट ठीक अब हमें सॉल्व करना है रेडियस तो रेडियस सॉल्व करने के लिए रेडियस वहीं रहने देते हैं तो 308 अपॉन 22 एंड 2 अब डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है उसे चेक करो 308 डिवाइडेड बाय 44 44 और ये आपके पास रेडियस आ गया सेवन और सेवन के साथ यूनिट जरूर चेक करने आपने कि क्या है आपके पास यूनिट्स येस yes, गुड सेंटीमीटर यूनिट्स पर हमेशा ध्यान देना यूनिट्स अगर रॉन्ग तो सम रॉन्ग ठीक है आपने किसी टीचर को ये चांस नहीं देना कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सके सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में आपको क्या सॉल्व करना है वो चेक करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ़ टोटल सरफेस एरिया मेथड याद करो एम टी एस से ऑफ कौन पाई पाई आर इन टू आर प्लस एल ठीक है तो पाई की वैल्यू फिर से वही ट्वेंटी टू बाई सेवन विदाउट एनी चेंज रेडी सभी हमने सोल्व किया रिसेंटली सोल्व किया तो हम रिप्लेस कर सकते हैं इट्स सेवन फिर सेवन प्लस एल एल चेक करो क्या था आपके पास एल यस फोर्टीन तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आप इजीली चेक कर पा रहे हो ये सेवन से ये सेवन कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो ट्वेंटी टू तो ये है एंड फोर्टीन प्लस सेवन इज ट्वेंटी वन एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक कर लो आपका आंसर क्या आ रहा है ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी वन इज 462. टोटल सरफेस एरिया की बात की हमने और यूनिट्स पर फिर ध्यान देना आपने इट्स 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ओके okay? ओके okay, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फोर कोनिकल टेंट इज टेन मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज ट्वेंटी मीटर हमें हाइट uh, गिवन है रेडियस गिवन है ट्वेंटी मीटर हाइट जो गिवन है वो भी मीटर्स में है फाइंड द स्लॉट हाइट ऑफ द टेंट सबसे पहले हमसे स्लॉट हाइट पूछ लिए तो हम पहले स्लॉट हाइट के लिए ही कुछ कोशिश कर लेते हैं कि स्लॉट हाइट हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो स्लॉट हाइट सॉल्व करने के लिए याद करो कि जब हम फिगर की बात करते हैं ना तो हमारे पास जो फिगर है राइट सर्कुलर कोन गिवन है हमें ठीक अब राइट सर्कुलर कोन में हमारे पास ये रेडियस ये हाइट और यहां जिसे हम मेंशन करते हैं इट्स ए स्लाट हाइट

तो सी एस एफ ए कौन एस पाई आर एल आप पाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड आर आर चेक करो आपने क्या रिप्लेस किया था अभी आर एज ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर एंड एल एल अभी जस्ट सॉल्व किया अभी हमने ट्वेंटी सिक्स ठीक है ना तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक है नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप चेक करो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ तो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय यस येस सा सॉल्व करो जल्दी से जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने साथ अपनी बुक पेंसिल नोटबुक सब रेडी हम पढ़ रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए सब समान तो जरूरी है ना, ठीक है? Mm -hmm. तो मल्टीप्लाई चेक करो, आप भी क्या क्या आ रहा है? 22 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 ये जो मल्टिप्लिकेशन न्यूमेरेटर पार्ट का आपके पास 13728 ओके एंड डिवाइडेड बाय 7 ये हमारे पास आ रहा है एरिया, एरिया जो हमने सॉल्व किया है सीएसए मीटर स्क्वायर में अभी मैं इसे कंप्लीट आंसर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है मुझे सॉल्व क्या करना है इसकी कॉस्ट सॉल्व करनी है और जो फर्दर पार्ट गिवन है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज सेवेंटी सेवेंटी ठीक है तो सेवेंटी रुपीज वन मीटर स्क्वायर के लिए है हमें कितने मीटर स्क्वायर हम सॉल्व कर चुके हैं वो चेक करो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन थ्री सेवन टू एट अपॉन सेवन मीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यस yes, बहुत इजी है ना अब आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि मैंने यहां पर डिवाइड क्यों नहीं किया था पहले वाला पोर्शन पहले वाला पार्ट डिवाइड नहीं करने का रीजन आपके सामने है कि अभी आपको यह पता लग जाएगा कि यहां डिवाइड क्यों नहीं किया गया था कि क्योंकि वो पार्ट कैंसल हो रहा यस yes. अब शायद आपको आइडिया हो गया कि मैंने यहां कैंसिल क्यों नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली सेवेंटी और टेन सेवन डिवाइड होने के बाद आपको ये टेन मिल रहा एंड मल्टीप्लाई बाय वन थ्री सेवन टू एट दिस मल्टीप्लाई बाय टेन इज योर फाइनल कॉस्ट ऑफ दिस कैनवस इज हमारा ये आंसर आ गया वन थ्री सेवन टू एट जीरो रुपीज जो हमें सॉल्व करना था तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हम शुरू कर रहे हैं एंड स्टेटमेंट को फिर बहुत ध्यान से समझ के सम शुरू करें हम अपना सा द वॉट लेंथ ऑफ टारपोलन थ्री मीटर वाइड हमें एक शीट गिवन है आप सिंपल सा कंसेप्ट लेके चलें कि आपके पास एक शीट है रेक्टेंगुलर शीट है और उस रेक्टेंगुलर शीट के लिए आपको डायमेंशन गिवन है तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ वो शीट किस शेप में रेक्टेंगुलर एंड दिस गिवन इज़ की थ्री मीटर वाइड विथ गिवन है तो थ्री मीटर वाइड तो मैंने थ्री मीटर वाइड इसके विथ मैंशन की टू मेक अ कोनिकल टेंट हमें उस सी शीट से एक कोनिकल टेंट बना देना है तो कोनिकल टेंट बनाने के लिए कुछ शेप आपको आइडिया हो गया ठीक है कोनिकल टेंट इसकी हाइट हमें दे रखी है कोनिकल टेंट के लिए तो वो हाइट में मार्क कर रहा हूँ दिस इज एट मीटर एंड द बेस रेडियस बेस रेडियस कितना गेवन है सिक्स वेरी गुड ध्यान से बस समझना है और पढ़ते चले जाना है उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा ठीक है चैप्टर में कुछ नहीं है बहुत इजी चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास ए नाइन में है क्या बहुत इजी है ठीक है तो रेडियस एंड हाइट हमें दो डायमेंशन मिल चुकी हैं तो दोनों डायमेंशनस के यूनिट जरूर चेक करना मैं हर बार फोकस कर रहा हूँ कि यूनिट्स आपके पास सेम रहने चाहिए अगर यूनिट्स में गलती कर दी तो सम रॉन्ग हो जाएगा एंड एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी सेंटीमीटर कुछ वेस्ट वेस्ट भी किया हमने वो बाद में देखते हैं वेस्टेज के लिए क्या कॉन्सेप्ट है तो बट हमें जो सॉल्व करना है ज़रा उस पार्ट पर आ जाते हैं हमें इसकी थ सॉल्व करनी है जिसे मैं एल कैपिटल एन मैंने एज्यूम कर लिया ठीक है थीके? अब कॉन्सेप्ट जो फॉलो कर रहा हूं मैं वो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं कि जो एरिया है एरिया ऑफ दिस शीट रेक्टेंगुलर शीट है ये जो गिवन है ये आपके पास ये टार्पोलिन शीट ठीक है ये रेक्टेंगुलर शेप में है ये एरिया और आपके पास जो एरिया जो फिगर आप ड्रॉ करने जा रहे हैं उसके एरिया के इक्वल रहेगा तो आपने फिगर जो ड्रॉ कर दी है वो है कॉनिकल शेप और उसका सी एस से मुझे सॉल्व करना है तो सी एस ऑफ कॉनिकल टेंट अब दोनों केसेस में आपके पास आइडेंटिटीज हैं दोनों केसेस में रिजल्ट्स आपके पास आपको पता है यहां आपके पास है एल इंटू बी और ऑफ कॉनिकल टेंट एज पाई आर एंड एल ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बार हमें पाई की वैल्यू गिवन है हाँ बिल्कुल ठीक पाई की वैल्यू क्या है ज़रा चेक करो 3.14 तो हमें यही वैल्यू रिप्लेस करनी है वैल्यू गिवन है तो वही चलना पड़ेगा बच्चों अदरवाइज फिर मिस्टेक होने के चांसेस आपके डेसिमल में आंसर में चेंज हो जाएगा तो थ्री का डेसीमल में हटा रहा हूँ तो दिस इज थ्री वन फोर अपॉन हंड्रेड इंटू रेडियस अब रेडियस चेक करो रेडियस क्या गिवन था रेडियस आपके पास बेस रेडियस सिक्स तो ये लीजिए बेस रेडियस सिक्स एंड हाइट गिवन है यस yes, यहाँ ये ध्यान देना है आपने कि हाइट गिवन है और हाइट गिवन है बट आप एल पुट करना चाह रहे हो तो वो आपको एल सॉल्व करना पड़ेगा पहले तो पहले एल के लिए ही मेहनत कर लेते कि एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच कितना है चेक कर लो हाइट कितनी गिवन है एट मीटर तो एट मीटर एट स्क्वायर एंड रेडियस एज सिक्स स्क्वायर आई मीन सिक्स तो उसका सिक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एट स्क्वायर एज सिक्सटी फोर सिक्स स्क्वायर इज थर्टी सिक्स हंड्रेड एल स्क्वायर तो एल आपको मिल गया टेन मीटर ठीक है एल आ गया जो कि मैं अब यहां इजिली पुट कर सकता हूं कि मैंने एल की वैल्यू रिप्लेस कर दी टेन कैलकुलेशंस में अभी भी आपके पास वैल्यू क्या गिवन है आपके पास ब्रेथ जो गिवन थी आप चेक कर लो रेक्टेंगुलर शीट में जो ब्रेथ है वो है थ्री मीटर ठीक है बच्चों ध्यान से समझना बस कुछ नहीं है इक्वेट करते जाना है calculations को बहुत ध्यान से करना कैलकुलेशंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और कहीं भी माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ मुझे कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है बिल्कुल भी नहीं बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर हम अपना कैलकुलेटर साथ रख के बैठते हैं ठीक अब इसको कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ पर ध्यान दो ये जीरो जो कैंसिल हो रहा है इजीली जीरो कैंसिल किया मैंने अदरवाइज मैं मैंने बाकी जीरोज एलिमिनेट नहीं करता हूँ मैं अपने हर समर और अपने हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना थ्री वन फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स अपॉन टेन दिस इज एल इन टू थ्री लेंथ मल्टीप्लाई बाय थ्री दैट इज ब्रेड अब थ्री वन फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स अपॉन टेन और जो ये थ्री था ये शिफ्ट यहाँ हो गया तो आप किसकी वैल्यू सॉल्व कर पा रहे हैं एल की वैल्यू सॉल्व कर रहे हो अब कैलकुलेशन का पार्ट आगे बढ़ाते हैं ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास ठीक है तो थ्री वन फोर मल्टीप्लाई बाय टू आप चेक कर लेना खुद से भी कितना आ रहा है सिक्स ट्वेंटी एट अपॉन टेन ये मुझे जो मिल गई लेंथ ये उस शीट की है जो वेस्टेज से पहले है अभी भी सॉल्व कर लेते हैं इसको ये लेंथ कितनी आ गई डेसिमल्स में अगर आप लिखते हैं तो ये 62.8 मीटर्स है अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप ध्यान से समझना कि यहां इंपॉर्टेंट पार्ट में किसे बोल रहा हूं उसने स्टिचिंग मार्जिन के लिए और वेस्टेज के लिए कटिंग में अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंथ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है उसको लेंथ में रिक्वायर्ड है ट्वेंटी सेंटीमीटर ध्यान देना वट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मेटीरियल तो लेंथ में ही हमें ऐड करना हमारा वो पोर्शन वो सेंटीमीटर्स था ध्यान देना बुक आप साथ रख के बैठे हैं ना नहीं रखी है बुक तो पहले तो बुक ओपन करो उसमें दोबारा चेक करो कि मैं किस स्टिचिंग मार्जिन की बात करूँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टेटमेंट फिर ध्यान से समझो द स्लॉट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली हमें गिवन क्या है उस पर ध्यान देना इस बार आपको स्लॉट हाइट गिवन है स्लॉट हाइट की नोटेशन आपको पता है एल इट्स ट्वेंटी फाइव मीटर्स ठीक है एंड बेस डायमीटर इस बार डायमीटर गिवन है सबसे पहले हमें फोर्टीन मीटर और फोर्टीन मीटर अगर डायमीटर है तो उससे हम रेडियस सॉल्व ईजिली कर पाएंगे और आपको पता है कि वो रेडियस डिवाइड बाई टू एंड दिस विल बी नाउ सेवन मीटर फाइन द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस फिर ध्यान से कि यस फिर आपसे क्या कहा गया है कर्व्ड सरफेस की बात की गई है तो कर्व्ड सरफेस के लिए सॉल्व कर लो इसका सी एस ए सी एस एफ ऑफ टॉम्प नहीं है तो ट्वेंटी टू बाई सेवन आर चेक कर लो कितना अभी हमने सॉल्व करके लिखा था यहां पर सेवन एंड एल चेक करो ट्वेंटी तो अब आपके सामने शायद कैलकुलेशन बहुत ईजी सी नजर आ रही है आपको सेवन एंड सेवन कैंसिल एंड आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो है ट्वेंटी टू ये जो एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है आपके पास उस क्रॉनिकल फिगर का जो अब आप सॉल्व कर रहे हैं और मीटर स्क्वायर में और अगेन अगर आपको यहीं तक छोड़ना होता तो डेफिनेटली हमें अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करना बट मैं मेरा आंसर अभी मेरा सॉल्व नहीं हुआ मुझे कॉस्ट सॉल्व करनी है तो कॉस्ट के लिए सबसे पहले तो आप ये पढ़ो कि आपको जो कॉस्ट गिवन है वो कॉस्ट कितने मीटर स्क्वायर के लिए क्या रेट गिवन है तो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ टू वन जीरो हंड्रेड मीटर स्क्वायर के लिए दो सौ दस रुपये हमें कॉस्ट गिवन है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आपको एक मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट निकालनी हो तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी देन कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टू हंड्रेड टेन अपॉन हंड्रेड ये आपके पास जो कॉस्ट है ये रुपीज़ में कॉस्ट तो है पर ये वन मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है बट आपके पास वन मीटर स्क्वायर एरिया तो नहीं है ना आपके पास एरिया क्या था यस yes, बिल्कुल ठीक है आपके पास जो एरिया है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी फाइव अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया ना रीज़न क्योंकि अब आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जानी चाहिए तो ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी फाइव ये मीटर स्क्वायर के लिए आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो टू वन जीरो अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी फाइव कहीं देखो अगर आपको कुछ कैलकुलेशन ईजी लगती है तो ठीक है नहीं तो हम अपनी कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर लेंगे ये सिर्फ ये वाला पार्ट हमें ईजी लगा तो हमने ये कैलिमिनेट कर दिया जीरो अब आपके पास है ट्वेंटी वन into 22 into 25 and upon एंड अपॉन टेन ठीक है यही सब कुछ है तो कैलकुलेशन को आप भी चेक करो और मैं भी सॉल्व करके यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू एंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव ये जो वैल्यू आ गई आपके पास वन वन डबल फाइव जीरो अपऑन टेन फिर एक जीरो आपको नजर आ रहा है कि जो कैंसिल हो जाएगा और वो कैंसिल होने के बाद अब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है, वो है डबल वन डबल फाइव रुपीज़ ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो हमसे कॉस्ट पूछी गई थी आपका कॉस्ट सॉल्व हो गया चुकी है तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री अ जोकस कैप इज इन द शेप ऑफ इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन कोन मैंने ड्रॉ कर दिया वो जोकस कैप जो शेप दी गई है रेडियस गिवन है सेवन सेंटीमीटर हाइट गिवन है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर यूनिट फिर से सेम है हमारे लिए सम फिर समी है रेडियस क्या है चेक कर लो सेवन सेंटीमीटर ठीक है एंड हाइट गिवन है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर तो हमारे पास रेडियस और हाइट गिवन है फॉर द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर टू मेक टेन सच कैप्स दस कैप की अगर हमसे बात की गई है तो एक कैप का पहले एरिया सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हमें टेन कैप्स का एरिया सोल्व करना पड़ेगा और इसमें सॉल्व करने के लिए हमें जो एरिया चाहिए वो हमें चाहिए सी एस ए ऑफ कोन एस एफ कौन आइडेंटिटी बार बार रिपीट हो रही है याद हो चुकी है अब तक आपको पाई आर एल पाई के लिए फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पाई के लिए मुझे क्या पुट करना है बिल्कुल ठीक है ट्वेंटी टू बाई सेवन धीरे धीरे स्मार्ट होना हमें ठीक है ना तो रेडियस हमारे पास सेवन है और एल गिवन नहीं है तो पहले तो एल की मेहनत कर लें तो एल के लिए मेहनत करते हैं ठीक है हर बार हम मेहनत करने के बाद ही तो सक्सेसफुल होंगे तो एल स्क्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्वायर अब एच और आर कितना है चेक कर लो आपके पास रेडियस है सेवन हाइट है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एंड सेवन स्क्वायर ठीक है अब ट्वेंटी फोर स्क्वायर ये आपको स्क्वेयर्स याद करने हैं मैं अपना नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद एक वीडियो आपके लिए स्पेशल सिर्फ आपको स्क्वेयर्स पर ही एक्सप्लेन करूंगा कि आपको स्क्वेयर्स कैसे लर्न करने हैं कैसे आपको हेल्प होती है उनको याद करने में नॉर्मल मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि सर हमें स्क्वेयर याद नहीं होते हैं सर हमारे हमें क्यूब्स याद नहीं होते सर स्क्वायर रूट्स याद नहीं होते हैं तो थोड़ा सा मेहनत हम उस पर भी करेंगे ठीक है तो अब 576 सेवेंटी सिक्स प्लस फोर्टी नाइन फाइव सेवेंटी सिक्स प्लस फोर्टी नाइन इज सिक्स ट्वेंटी फाइव दिस इज योर एल स्क्वायर तो फाइनली योर एल विल बी ट्वेंटी फाइव वेरी गुड आपको याद हो जाने चाहिए कुछ स्क्वेयर आप हेल्प करो आपको साथ साथ याद हो जाएँ तो सिक्स ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी ट्वेंटी फाइव तो मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू सॉल्व की है मैं यहाँ पर ट्वेंटी फाइव रिप्लेस कर देता हूँ अब चेक करो कि आपके पास क्या क्या कैंसिल होने जा रहा है आपके पास ये सेवन तो कैंसिल हो गया अब बच गया गया 22 into 25 अब 22 into 25 आप कैलकुलेट करो 22 25 ये मुझे जो आंसर मिल गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप मैं यहां मेंशन कर रहा हूं सीएसए ऑफ वन कैप एक कैप का मुझे एरिया मिल चुका है. मुझे कितनी कैप्स का एरिया सॉल्व करना है वो आप ये चेक करो यस yes. टेन सच कैप्स ऐसी ऐसी दस कैप का एरिया मुझे चाहिए तो अगर एक कैप का एरिया मुझे मिल चुका है तो मुझे जो बाकी कैप्स का एरिया सॉल्व करना है यस बहुत ईजी है अब आपको पता लग गया कि आपको क्या करना है ठीक है ना तो टेन सच कैप्स तो फाइव फाइव जीरो एक कैप का एरिया और मल्टीप्लाई बाय जैसे ही आप इसको टेन करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा डबल फाइव डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कि जो दस कैप का सी एस से आपको मिल चुका है ओके तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एट हमें गिवन है बेस डायमीटर पहले तो मैं डायमेंशन को ही रीड कर लेता हूं बेस डायमीटर क्योंकि सम हमारे सारे कोनिकल फिगर पर हैं इस इस एक्सरसाइज में बेस्ड ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास बेस डायमीटर इज़ फोर्टी सेंटीमीटर एंड हाइट येस ध्यान देना इस बार चेंज क्या किया गया हाइट इज़ वन मीटर तो आपके पास जो मीटर्स और सेंटीमीटर्स की बात की गई है तो उसको आपने कन्वर्ट करके सेम यूनिट्स में लेकर आना है ठीक है तो फाइनली चेक करते हैं डिसाइड करते हैं कि हमसे किस, में answer, किस की गई है, जो किया जा रहा है, वो जो है वो ना तो डायमीटर फोर्टी सेंटीमीटर है सबसे पहले तो आप इसे रेडियस में कन्वर्ट करो ट्वेंटी सेंटीमीटर अब रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर आ गया इसको मीटर्स में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय हंड्रेड ठीक है ना तो अब ये कैंसिल आउट भी करते चले जाएँ यहाँ कैंसिल हो गया तो आपके पास जो रेडियस आपको आंसर में मिल रहा है टू अपॉइंट टेन मीटर्स ये फ्रैक्शन में रहने देना नो नीड टू कन्वर्ट इन डेसिमल्स ईजी रहेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए तो रेडियस है एंड हाइट है मीटर्स में है दोनों यूनिट्स अब ठीक है बात बन जाएगी ना हमारी थोड़ी सी हमसे पूछा क्या गया क्या उस पर ध्यान दो अब गिवन है फिफ्टी हॉलोकॉन्स तो फिगर तो कौन की गिवन थी उसी की मैंने रेडियस और हाइट मैंशन किया होगा फिर हमें उसको कुछ पेंट करना और पेंट करना कॉस्ट फाइन करनी है तो पेंट करने के लिए हमने उसके कव सर्फेस को पेंट करना तो पहले तो वही बात कि हमें अपना एरिया जो सॉल्व करके देना है इसको कि सी एस ऑफ अ कौन पाई आर एल एल चेक करो गिवन है या नहीं है नो no. तो हमें एल के लिए भी मेहनत करनी है अभी तो ठीक है तो एल की मेहनत पहले ही कर लें तो एल का मेथड तो याद हो चुका ना हमने हर सम में कितने सम में यूज कर लिया एल स्क्स आर स्क्वायर ठीक तो एल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो वैल्यूज ढूंढो कि आपको जो रिक्वायर्ड है एच एच इज वन मीटर और मीटर में सॉल्व कर रहे हैं ध्यान देना वन स्क्वायर रेडियस टू अपॉन टेन स्क्वायर ठीक है दिस इज एल स्क्वायर अब चेक करो वन का स्क्वायर इज वन टू इज फोर एंड टेन स्क्वायर इज हंड्रेड एल्शियम लेके करो कितना आएगा हंड्रेड इंटू वन इज हंड्रेड और साथ में फोर ऐड कर देंगे तो वन हंड्रेड फोर अपॉन हंड्रेड है ठीक है अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये कैलकुलेशंस भी हमें डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेन कर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि हाँ हमें ये कैलकुलेशन और डिटेल में एक्सप्लेन करिए तो हमारे पास हंड्रेड फोर अपॉन हंड्रेड को जब अब लिखने के लिए वैल्यू मिल रही है तो वन पॉइंट जीरो फोर इज डिफ़िकल्ट ठीक है ना कि अब वन पॉइंट जीरो फोर का रूट कैसे सॉल्व किया जाए पर आपने क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा तो ये डिफिकल्ट नहीं हुआ ना हमारे लिए क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वन पॉइंट जीरो फोर अंडर द रूट सम समीजी हो गया वैल्यू क्या है चेक कर लो वन पॉइंट जीरो टू ठीक है ना तो यहां इस वैल्यू को हम ईजीली रिप्लेस कर सकते हैं वन पॉइंट जीरो टू हो गया सॉल्व एल मिल चुका हमें तो ये हमें स्लाट हाइट मिल चुकी है अब हमें जो यहाँ स्लाट हाइट पुट करनी है हम उसकी बात करते हैं पाई के लिए भी चेक कर लेना कुछ गिवन था या नहीं था ध्यान से क्वेश्चन क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे तभी बात बनेगी यस yes, पाई थ्री पॉइंट वन फोर कभी भी किसी भी वैल्यू को पुट करने से पहले कन्फर्म करो कि यूनिट्स करेक्ट पुट कर रहे हैं वैल्यूज करेक्ट पुट कर रहे हैं क्योंकि सारा खेल हमारा वैल्यूज का ही है कैलकुलेशन का ही है और यूनिट्स का ही है इस चैप्टर में ठीक है तो पाई के लिए आपने देख लिया ना क्या गिवन था थ्री पॉइंट वन फोर तो थ्री वन फोर अपॉन हंड्रेड इंटू आर रेडियस क्या है चेक करो टू अपॉन्ट टेन एंड एल क्या है वन पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट जीरो टू को कन्वर्ट करोगे तो डेसीमल्स में नहीं लिखना है हमें लिखना है फ्रिक्शंस में ठीक है ना कुछ कैंसिल हो रहा है सारे जीरोज हमें हेल्प करेंगे रखे रहने देते हैं हम अपने पास जीरोज़ एंड जीरोज़ बहुत सारे जीरोज हो गए तो अब थ्री वन फोर इंटू टू मल्टीप्लाई तो पहले इसी कर लो सिक्स ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड टू अब 628 मल्टीप्लाई बाय 102 हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है 64056 डिवाइडेड बाय चेक करो कितने जीरोस थे हमारे पास फाइव जीरोस थे वन लाख से डिवाइड करेंगे तो वन लाख से डिवाइड करने के बाद आप ये भी चेक कर लो कि आपका जो जीरो प्लेस होने जा रहा है वो कहाँ प्लेस होने जा रहा है और ये जो आंसर आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा ये आ गया एरिया ये अभी एरिया कितना कितने कौनस का है येस yes, आप ये भी ध्यान देना ये अभी हमने एक ही कोन का एरिया सॉल्व किया अब एक कोन का एरिया सॉल्व किया और उससे पहले ये भी देखो कि हमें कितने कौनस के लिए बात की गई है फिफ्टी ठीक है ना तो फिफ्टी होलोकौन्स की बात की गई है यहाँ पर तो अभी अब फिफ्टी कौनस के लिए निकालना है और फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट फाइन करनी है तो हम अभी लिखते हैं ये जो है सी एस ए ऑफ वन होलोकौन होलो समझ गए ना खाली कौन तो कितना है जीरो पॉइंट सिक्स फोर जीरो फाइव सिक्स मीटर स्क्वायर देन सी एस 50 फिफ्टी अब हमें फिफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें फिफ्टी कोन्स का एरिया मिल जाएगा ये हो गया हमारा फिफ्टी कोन्स का एरिया ठीक है बट अभी भी आंसर तो नहीं मिला आंसर के लिए मैं क्या करना है कॉस्ट फाइंड करनी है कॉस्ट के लिए हम चेक कर लेते हैं कि कॉस्ट गिवन क्या है कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू या समथिंग कुछ और है दे, चेक कर लेते हैं एक बार यस वन मीटर स्क्वायर के लिए हमें ट्वेल्व रुपीज गिवन है वन मीटर स्क्वेयर के लिए ट्वेल्व कितने मीटर स्क्वेयर हैं आप चेक करो अब तो फिफ्टीन टू मीटर को के लिए क्या होगा ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी इनटू जीरो पॉइंट सिक्स फोर जीरो फाइव सिक्स ट्वेल्व फिफ्टी इजीली कैलकुलेट हो पा रहा है हमसे सिक्स हंड्रेड में हेल्प करें चलो हमने वैसे तो कन्वर्ट कर लिया था बट हमेशा नहीं करना चाहिए था पहले कन्वर्जन फाइव जीरोज मैंने फिर से मार्क कर दिए आपको शायद समझ आ गया कि मैं क्यों करना चाह रहा था ये मेरे दो जीरो फिर से कैंसिल हो रहे हैं ठीक है ना वैसे मुझे पहले नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं हर बार आपको यही बोल रहा हूं कि नहीं करें आप पहले जीरोज एलिमिनेट लास्ट तक भी हमें हेल्प हो जाती है कि जीरोज कहीं ना कहीं से हमसे एलिमिनेट हो जाएंगे अब आप चेक करो कि आपके फाइव जीरो में से दो जीरोज एलिमिनेट हो चुके हैं और अब मल्टीप्लाई वाला जो पार्ट है अब आपने उस पर फोकस करना सिक्स फोर जीरो फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स ये हमारे पास आ रहा है थ्री एट फोर थ्री थ्री सिक्स एंड डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड कन्वर्ट करोगे डेसिमल्स इसमें प्लेस करेंगे तो थ्री एटी फोर पॉइंट थ्री थ्री सिक्स ये क्या है कॉस्ट है और कॉस्ट हमेशा यूनिट्स चेक करना कि किस फॉर्म में मिलेगी आपको ये yes, बिल्कुल ठीक है तो आपको जो कॉस्ट मिल गई वो रुपीज़ में मिल गई और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर